सलाम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोलकाता। वेलकम बैक टू इन अनदर वीडियो। और आज आपका ये कोलकाता ब्लॉगर एक्सप्लोर करने वाला है कोलकाता का विश्व बंगला गेट। जिस तरीके से यूके का लंडन आई एंड पेरिस का इफिल टावर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, उसी तरीके से वेस्ट बंगाल का यहाँ पे विश्व बंगला गेट, जिसे कोलकाता गेट के नाम से जाना जाता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो जो लोग ट्रैवल करने के लिए आ रहे हैं तो वो विश्व बंगला गेट ट्रैवल करना बिल्कुल ना भूले। और इससे रिलेटेड हम आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। इसका टिकट प्राइस क्या है, ओपनिंग टाइम, क्लोज टाइमिंग, और आप यहाँ पे ऑनलाइन टिकट कैसे बुक कर सकते हैं, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। और इसका नियरेस्ट टूरिस्ट प्लेस कौन कौन सा वो भी बतलाने वाले हैं। और आप ये विश्व बंगला गेट तक कैसे पहुँच सकते हैं वो भी बतलाने वाले हैं। तो वीडियो हर बार की तरह इस बार भी होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग विद इन्फॉर्मेटिव। तो जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, ऑलरेडी राइड कंप्लीट करने के बाद आपका ये कोलकाता ब्लॉगर पहुंच चुका है कोलकाता के विश्व बंगला गेट के पास, जैसा कि आप हमारे बिहार में देख पा रहे होंगे। और इसकी ऊंचाई के बारे में बात किया जाए तो ये जमीन से 55 फीट की ऊंचाई पे बनाया गया है। और ये कोलकाता के न्यू टाउन एक्शन एरिया 1 में सिचुएटेड है, जिसे नारकेल बागान के नाम से भी जाना जाता है। तो आप सबसे पहले इस विश्व बंगला गेट के आसपास का लोकेशन एंजॉय कीजिए, उसके बाद फिर इससे रिलेटेड ढेर सारा इन्फॉर्मेशन देते। तो सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स एंजॉय द व्यू। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. बाहर का व्यू देख चुके और अब हम लोग यहाँ पे करने वाले कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से विश्व बंगला गेट के रूल एंड रेगुलेशन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किया गया है। जैसे कि पहले आप ऑनलाइन टिकट परचेस कर सकते थे, लेकिन फिलहाल अभी लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे आप ऑनलाइन टिकट नहीं परचेस कर सकते, आपको ऑफलाइन टिकट परचेस करने की फैसिलिटीज़ दी गई है। और पर पर्सन टिकट प्राइस 400 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और लॉकडाउन से पहले का जो टिकट प्राइस था पर पर्सन 100 रुपीज़, जिसमें आपको गैलरी व्यू देखने को मिलता था, जो फिलहाल अभी बंद कर दिया गया है लॉकडाउन की वजह से। और इससे रिलेटेड अभी आपको और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले, तो वीडियो में बने रहिए और इन्जॉय करते रहिए। ये है कोलकाता का विश्व बंगला गेट, और विश्व बंगला गेट के पास में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा टिकट काउंटर। टिकट काउंटर फिलहाल बंद कर दिया गया है ड्यू टू लॉकडाउन। और यहाँ पे आपको वेडिंग लॉज भी देखने को मिलेगा, और आपको यहाँ पे पार्किंग स्लॉट की फैसिलिटीज़ भी दी गई है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर वाशरूम जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर वाशरूम की भी फैसिलिटीज़ दी गई है। आप ग्राउंड फ्लोर पे वाशरूम की भी फैसिलिटीज़ दी गई है। और अगर आप अंदर जाना चाहते हो तो यहाँ पे साइन बोर्ड विश्व बंगला गेट आपको एंटर करने के लिए इधर, और यहाँ पे बैगेज काउंटर। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं इससे रिलेटेड कुछ रूल एंड रेगुलेशन है, आप वीडियो पॉज करके ईजिली पढ़ सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन टिकट परचेस करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप टिकट बुक कर सकते हैं। काफ़ी मेहनत मशक्कत करने के बाद आपका ये कोलकाता ब्लॉगर ऑलरेडी पहुंच चुका है विश्व बंगला गेट में। और यहाँ से आप बिहाइंड का सिनेरियो देख सकते हैं, अनबिलीवेबल। तो आप सबसे पहले यहाँ पे आसपास का सिनेरियो एंजॉय कीजिए, उसके बाद फिर इस रिलेटेड ढेर सारा इन्फॉर्मेशन देते। तो सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स एंजॉय द व्यू। In a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me. I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or. अगर आप विश्व बंगला गेट घूमने के लिए आ रहे हैं तो इसके आसपास में कुछ टूरिस्ट प्लेस है, जैसे कोलकाता का इको पार्क, वो भी काफ़ी बेस्ट प्लेस है ट्रैवल करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे है न्यू टाउन कॉफ़ी हाउस, जिसका मैंने ऑलरेडी इको पार्क और कॉफ़ी हाउस दोनों का वीडियो बना चुका हूँ। जो लोग देखना चाहते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसलिए वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और यहाँ से काफ़ी पास में ही है, आप अगर ये ट्रैवल करने के लिए आ रहे हैं तो वो इजिली घूम सकते हैं। और अभी बेसिकली यहाँ पर मेट्रो कंस्ट्रक्शन का
काम चल रहा है, आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पे मेट्रो भी चलेगा और सिनेरियो अनबिलीवेबल। यहाँ पे अगर आप आते तो आप फोटो क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अलावा वीडियोग्राफी तो लोग करते ही है, हम जैसे ब्लॉगर तो काम ही यही है। और देखिए और इन्जॉय करते रहिए। और अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं विश्व बांग्ला गेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन। जैसे इसके ओपन होने के टाइम के बारे में बात किया जाए तो इसका ओपनिंग टाइम है 12 PM एंड क्लोज टाइमिंग के बारे में बात किया जाए तो इसका क्लोज टाइमिंग है 7 PM। और बेसिकली आपको ये मंडे के दिन बंद रहता है। और यहाँ पे आपको वॉल पे काफ़ी अच्छी अच्छी पेंटिंग देखने को मिलेगा, जैसे कि आप हमारे बहन में बोर्ड देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे लेजेंड्स का भी यहाँ पे पेंटिंग बनाया गया है और आसपास में बैठने की काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ दी गई है। और इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और यहाँ से आपको हमारे आसपास का लोकेशन एंड व्यू अनबिलीवेबल देखने को मिलेगा। तो इससे एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि अगर आप यहाँ पे जब भी आए तो अपने फ्रेंड्स सर्कल के साथ आए या फैमिली के साथ आए, क्योंकि यहाँ पे आपको पिक क्लिक करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। फाइनली 3 आवर्स वेस्ट करने के बाद ऊपर से डायरेक्ट नीचे पहुँच चुके हैं। और यहाँ पास में वेटिंग लॉज जहाँ पे बैठने की भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे आप विश्व बांग्ला गेट से रिलेटेड ढेर सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, अगर आप पढ़ना चाहते तो इजीली आप पढ़ सकते हैं। और मैंने आप लोगों को पार्किंग स्लॉट के बारे में बता ही चुके। और यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे मेरा रेस्टोरेंट जो मेरा फेवरेट है, जो इस विश्व बांग्ला गेट के जस्ट पास में ही है। चलिए वीडियो में बने रहिए और आपको हम दिखलाते हैं। यहाँ पे जो आप हमारे बिहाइंड में देख रहे हैं वो है मिरर रेस्टोरेंट। बेसिकली हम उसे मिरर रेस्टोरेंट बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे सारा जो डेकोरेशन किया हुआ वो मिरर से ही किया गया है। और आप लोगों को हम बतलाना चाहेंगे कि आपका ये कोलकाता ब्लॉगर इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता है। तो जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है आप हमें लाइक के थ्रू बता सकते हैं, और जिन लोगों को वीडियो पसंद नहीं आया वो हमें डिसलाइक के थ्रू बता सकते हैं, लेकिन वो लाइक और डिसलाइक वाला बटन कृपया छोड़कर मत जाइएगा। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर मेक अ पार्ट ऑफ द डे। आई विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। अलविदा। शुक्राना मासाला। ठीक है माय लवली फ्रेंड्स। बाय।